फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ शुक्ला और जैसा कि आज पूरे देश को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ और उसको आज़ादी दिलाने वाले हमारे बहुत महान शूरवीर और क्रांतिकारी रहे देश के अंदर, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी, आदरणीय स्वर्गीय भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, काफ़ी लोगों की जो है कुर्बानियाँ रहीं इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और जैसा कि हमें पता है कि आज 15 अगस्त 2018 है और हम जो है 72वां स्वतंत्रता दिवस अपने देश का बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सारे नौजवान बना रहे हैं और सम्मानित नागरिक गणों को हिंदुस्तान के जो है हार्दिक बधाइयाँ। आप इसी तरीके से स्वतंत्रता दिवस बनाएं और मैं ये चाहता हूं कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचार को चरम पे पहुंचाएं, स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी मॉलेस्टेशन करें, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार कर लें, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी गरीब या किसी भी बेसहारा बंदे पे जो है जुल्म करें और जो है उसकी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा करें, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ गलत करें, स्वतंत्रता का मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, स्वतंत्रता का मतलब है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद, स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी सबने जो है देश को आज़ादी दिलाई और ये स्वतंत्र भारत हम सबको दिया। तो मैं चाहता हूँ इस स्वतंत्रता का भी हम गलत फायदा न उठाएं और 72वां स्वतंत्रता दिवस आज की डेट में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आप सबके साथ मना रहा हूँ, सारा हिंदुस्तान हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है, बेहद खुशी के क्षण हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है देश के अंदर। काफ़ी सारा जो है मैंने आप देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी की भी बधाइयाँ आई, राष्ट्रपति जी की भी बधाइयाँ आई देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम आने वाले अपने आखिरी सांसों तक स्वतंत्रता दिवस मनाएं और देश के अंदर सभी को बधाइयाँ दें और देश के अंदर जो है घर घर जाकर के हम लोगों को अच्छी कहानियाँ बताएं अपने शूरवीर महान क्रांतिकारियों की, हम जो है उनके इतिहास की कहानियाँ बताएं, हम लोगों को जो है मोटिवेट करें, लोगों को जो है अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करें। और मैं चाहता हूँ हर घर से चंद्रशेखर आज़ाद, हर घर से भगत सिंह, हर घर से सुभाष चंद्र बोस, हर घर से सुखदेव राजगुरु, हर घर से खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी जन्म लें, महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारी जन्म लें। और मेरा यही, इसी के साथ मेरा यही देश के लिए संबोधन है और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, आने वाले समय में देश के लिए कुछ बेटर करते रहें। खाली स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता नहीं है, आप उसका गलत फ़ायदा उठाएं, आप जो है वृक्षारोपण करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, डिफॉरेस्टेशन कम करिए, प्लांटों का जो है कम से कम जो है प्लांटों को काटिए, पेड़ों का कम से कम उपयोग करिए, कम से कम जो है पॉल्यूशन क्रिएट करिए, इन सब चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग्स को जो है यूज़ को जो है बिल्कुल नो कहिए। इन्हीं के साथ जो है जो भी कोई गरीब असहाय है या कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में आपको मिले तो आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। यही मेरा जो है आज 15 अगस्त 2018 जो स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं, 72वां स्वतंत्रता दिवस हिंदुस्तान में। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और जय हिंद जय भारत करता हूँ और चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक आप ऐसे ही देश को स्वतंत्रता के रास्ते पे ले चलें। देश के अंदर सारी चीज़ें स्वतंत्र होनी चाहिए लेकिन एक दायरे के अंदर होनी चाहिए, बिना जो है बाउंड्रीज होनी चाहिए, बाउंड्रीज को क्रॉस करके हम बाहर नहीं जाएंगे। और देश कोई भी ऐसा काम जो देश के देश का अहित करता है हम ऐसे किसी भी काम में अपनी जो है सहभागिता नहीं निभाएंगे और ऐसा कोई भी काम जो देश के विरोध में होता है, देश के अगेंस्ट में होता है, एंटी नेशनल होता है, वो देश को जो है गर्त में ले जाने वाला होता है, हम ऐसे किसी भी काम को जो है नहीं करेंगे। हम ऐसे किसी भी काम करने वाले व्यक्ति का विरोध करेंगे, हम उसको भी काम करने से रोकेंगे और साथ ही साथ जो भी बंदा देश का विरोध करेगा, इस तिरंगे का विरोध करेगा, हम उसको देश से बाहर निकाल देंगे। हम बिल्कुल भी देश के साथ बदतमीजी, देश का विरोध, हम कोई भी देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं क्या मेरे जैसे सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, ना ही देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को जो है देश के अंदर रहने देंगे। मेरा इसी के साथ जय हिंद जय भारत।